मैं जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हो, रवि पास हो गया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। कल के अखबार में उसका फोटो छपेगा, सारा हिंदुस्तान भी ये करिश्मा देखेगा। रवि ने अपने जिंदगी के 2.5 साल जेल में गंवाए नहीं, कमाए, और यकीन रखो रवि अब ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। मगर रवि की सजा तो 4 साल की है। तुम लोगों का सुख छीनने में मेरा भी कुछ हाथ था, और अब दुख हटाने में मैं पूरी मदद करूंगा। अगर रवि के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो उसे आजादी दिलाकर मैं अपना गिल्ट कुछ कम करूंगा। थैंक यू सर। गुरु, वो लीले का फोन कई बार आ चुका। मरने दो उसे। अब क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो पिछले जन्म की बात है। वो कहते हैं ना कि पिछले जन्म का हिसाब अगले जन्म में हो ही नहीं सकता। रवि मल्होत्रा की सजा में 2 साल बाकी हैं। अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा। मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है। मुझे घिरते हुए अंधियारों की परवाह क्या है, मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है। फैंटास्टिक, कितनी अच्छी बातें करते हैं आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? हाँ, ये तो मैं भी सोचता रहता हूँ। वैसे अगर पहले मिले होते तो क्या होता? किसी से मिलवाती आपको? आपसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की हसरत नहीं रही जी। हाँ, अमृत पीने के बाद कोई काढ़ा थोड़ी पीता है। आप हंसती हैं तो घुंघरू बजते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि आपकी आंखों में आंसुओं का पहरा क्यों रहता है। कितनी उदास हैं आपकी आंखें, लगता है अभी रो देंगी। मुझे नहीं बताएंगी आप अपनी कहानी? कहानी? अच्छा कहा। कभी कभी जिंदगी भी एक कहानी बनकर रह जाती है। हर कहानी की एक शुरुआत, एक सेंटर और फिर एक अंत। मेरी कहानी का अभी अंत नहीं हुआ, जब होगा जरूर बताऊंगी। मुझे पहचानते हो? भयानक सपनों को भूल जाना अच्छी बात नहीं। कुछ देने आया हूं तुम्हें, एक पैगाम, एक इनाम। लेकिन इससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। याद रखो, अगर झूठ का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया तो उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। जिस जुर्म के लिए तुम यहां पर हो, क्या वह जुर्म तुमने किया था? सर, आधी से ज्यादा सजा मैं यहाँ काट चुका हूँ और बाकी चैन से काट सकता हूँ। तब तो झूठ बोलने की कोई वजह भी थी, मगर अब बिल्कुल नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मैं बेकसूर हूँ और आज भी कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी रिहाई का हुक्मनामा, योर रिलीज ऑर्डर।
लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जेल में क्या कर रहा है। थैंक यू। मुबारक। थैंक यू सर। और अब तुम्हारा इनाम। अपने ही साए में अब नजर
खुले या बंद सनम साहिब। मोहिनी से कहो मैं आया हूँ। तू तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? आज भी कमाल करते हैं बाबू साहब, आज के दिन घर पे मिलने आए रहे। तो कहाँ जाता, ये घर तो उन्हीं का है ना? हाँ, ये घर उन्हीं का था, पर आज के बाद नहीं रहा। क्या बक रहे हो? हम सच कह रहे हैं बाबू साहब, अग्नि के साथ फेरा लई के अपन घर बसे हैं, शादी रचाए रहे गोकुल दास टेकरी वाले मंदिर में। कब? 4 बजे का वक्त रही। Please!